देखिए दोस्तों कैसे फूट रहा है, बड़ा पिंक हो गया है दोस्तों। देखिए कैसे मस्त दिख रहा है, पूरा बढ़िया है दोस्तों। देखिए दोस्तों एक उधर खाता हम तोड़ के लेके जा रहे हैं, वो सब्जी नहीं है आज, सब कुछ गया, छोड़ो जो हुआ हुआ, अब क्या करेंगे। पेड़ को इसको लेके जा रहे हैं दोस्तों, अभी खट्टा बनाएंगे। चलिए जी, पूरा अंधेरा देखिए, इसको हम लेके जा रहे हैं तोड़ेंगे। पेड़ को उखाड़ के लेके आ गए दोस्तों। देखिए आज इसका सब्जी बनेगा माड़ पानी के साथ में। इसको देखिए मैं तोड़ रही हूँ, इसका ये फल को तोड़ते हैं। ये बोला इसका सब्जी बनेगा। अंधेरा हो गया है दोस्तों, क्या करेंगे, हम लोग को फुर्सत ही नहीं है। हाय दोस्तों नमस्कार, ऊपर वाला की जोड़ी ब्लॉग में हम लोग आप सबको स्वागत है। हम लोग अच्छे हैं, आशा करते हैं कि आप सब अच्छा रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटे, अपने अपने ज़िंदगी में मस्त रहें। तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ एक कुद्रुम का फूल का झोल, इसको हम लोग कुद्रुम टपकाल बोलते हैं। इसको अच्छा से बनाएंगे दोस्तों, अच्छा लगता है। इसका फल भी है फूल भी है। ये देखिए उसका पेड़ को हम उखाड़ के लेके आ गई हूँ दोस्तों। देखिए इतना बढ़िया देख रहा है, तो इसका फल बूढ़ा हो जाता है दोस्तों। इससे रस्सी भी बनाते हैं इसका, इसको उखाड़ना पड़ेगा अच्छा से। इसको बहुत नहीं निकल रहा है, अंधेरा में तो नहीं दिखा, इसीलिए हड़बड़ में ले आ गए। सुबह से बनाएंगे बनाएंगे सोच रहे हैं, लेकिन फुर्सत नहीं है। साहू जी उधर चले गए दुकान सौदा लाने के लिए। हम लोग का चना मसाला खाली बचा है दोस्तों, और कुछ नहीं, थोड़ा सा ही बनाएंगे दोस्तों, इतना कहीं हो जाएगा। इसको काल तोड़ के सुखाएंगे, तो इसको बारिश दिन में भी खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। इसको रख देने से ये अच्छा लगता है दोस्तों, सुखा के भी रखते हैं। इसका रस्सी निकलता है, बहुत ही टाइट होता है रस्सी इसका। देखिए इतना सा बनाएंगे दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहे दोस्तों। देखिए दोस्तों एक कुद्रुम का वो खट्टा बनाने के लिए मैं मिर्ची, सूखा मिर्ची दो चार दे रहा हूँ दोस्तों। इधर में पूरा तेल गरम हो गया है, मिर्ची डाल दे रही हूँ, मिर्ची अच्छा से जल गया है दोस्तों। देखिए अभी लहसुन डाल दे रही हूँ, इसमें प्याज भी डालूँगा दोस्तों। देखिए प्याज भी डाल दी, इसको अच्छा से भून दूंगी मैं। तेल थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म था दोस्तों, देखिए अच्छा से खुशबू आ रहा है लहसुन का, थोड़ा हुआ खुशबू बढ़िया आ रहा है। इसमें हम अभी खट्टा को धो के रखे हैं, उसको डाल देंगे। इसके बाद में माड़ भात का जो पानी है उसको डालेंगे दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों इसको अच्छा से धो दे रही हूँ मैं, इसको फिर अभी उसमें डाल दूंगी। थोड़ा खट्टा लगता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है होने में। अभी नमक डाल दूंगी इसमें, थोड़ा भूजने देती हूँ, सुख हो जाएगा तो मार पानी डाल देंगे। देखिए जैसे पिंक दिख रहा है दोस्तों, तो बहुत काम हो जाता है। देखिए अभी इसको मैं मार को डाल दे रही हूँ, भात भात है नीचे, उसका पानी को डाल रहे हैं, भात का पानी। अभी ये पूरा पिंक हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसे पिंक दिख रहा है।
छोटा हो गया। दिखाई सामने से किसे दिख रहा है पिंक? देखिए दोस्तों पिंक हो गया है, ये फूटेगा तो और पिंक दिखेगा। देखिए दोस्तों कैसे फूट रहा है, पूरा पिंक हो गया है दोस्तों। देखिए कैसे मस्त दिख रहा है, पूरा बढ़िया है दोस्तों। देखिए दोस्तों तेल गर्म हो गया है, बॉडी को मैं फ्राई करके निकाल रही हूँ। अभी बैगन को फ्राई करेंगे। हम लोग आज दिन भर वीडियो नहीं बना पाए हैं, रात में वीडियो बना रहे हैं क्योंकि दिन भर बहुत काम रहता है दोस्तों। देखिए मेरी बासन कुसन माँज के रख दिए हैं। अभी देखिए बैगन फ्राई हो रहा है, ये हो गया माड़ और कुद्रुम साग का जो फल निकलता है ना दोस्तों, पिंक कलर का, उसको डाल के बनाए दोस्तों बहुत बड़े। अच्छा से दिखाइए, देखिए दोस्तों गायत्री जी ने बैठा है, गायत्री जी ने रेडी किया है। मैं आज मिर्ची पूरा मतलब पेस्ट किए थे ना दोस्तों, हाथ बहुत जोर जल रहा है, इतना मिर्ची पेसने से बहुत हाथ जल रहा है। फिर भी हम लोग दिन में तो वीडियो नहीं बना पाए, रात में वीडियो बना रहे हैं, इसलिए माफ़ी चाह रहा हूँ दोस्तों। आप लोग हम लोग वीडियो देख रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। आप लोग कमेंट कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत सारा सपोर्ट दीजिए दोस्तों, यही चाहता हूँ। देखिए मम्मी जी यहाँ पे आ गए हैं, देखिए यहाँ पे सुमित बैठा हुआ है, हमें मम्मी बैठा हुआ है, मम्मी आए हैं देखने के लिए क्या कर रहे हैं मेरा बेटी, वो भी आके थोड़ा हेल्प कर दे रहे हैं हम लोग को। दो आदमी तो होटल में नहीं बनता है, मतलब तीन आदमी में होने से भी बहुत ज़्यादा परिश्रम हो जाता है हम लोग को, खाना भी नहीं खा पा रहे हैं दोस्तों, इतना मेहनत हो जा रहा है। आप लोग वीडियो में बना रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों बड़ी को मैं फ्राई करके निकाल दी, बैगन को भी अच्छा से फ्राई कर दी हूँ दोस्तों। देखिए बैगन और बड़ी फ्राई हो गया है, अभी टमाटर फ्राई हो रहा है दोस्तों। पानी को थोड़ा फेंक दी तो सुनिए, इसे टमाटर निकालेंगे, जल्दी जल्दी आप हो गया डाल देते हैं। अभी हम इसको बैठा दे रहे हैं आलू, कल सुबह बस अभी रेडी हो गया। हम लोग इसको फिर हम मिलाएंगे अच्छा से, भात में खाएंगे, गरम भात है, कुद्रुम का डबकाल है, पूरा कैसे दिख रहा है पिंक, खाएंगे लेके जाते हैं घर में, अभी रेडी हो गया है। देखिए दोस्तों हम लोग आज बैगन चटनी, टमाटर चटनी, बड़ी मिला के चटनी बनाए दोस्तों, मस्त लग रहा है। ये कुद्रुम साग का जो फल है ना दोस्तों, उसको भी आज माड़ का साथ खा रहे हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया टेस्टी बन रहा है। देखिए अभी मैं खा के दिखा रहा हूँ दोस्तों, सुबह का साग था, नाऊ बोलते हैं ना, नौकी का जो कुमड़ा का साग वही है, तो सब मिला हुआ है दोस्तों। अभी मैं खा रहा हूँ, देखिए कैसे लग रहा है मैं बताऊँगा,
बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। ये आप लोग खाएंगे नहीं खाए कमेंट माध्यम से बताएं, बहुत टेस्टी है। सुमित बताओ कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्लिक बटन को दबाने के लिए मत भूलिए। खाओ।